कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री की कोशिश के बाद भी बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। अब विपक्ष लगातार कर्नाटक की हार को मोदी की हार से जोड़कर ब्रांड मोदी के कमजोर होने का दावा कर रहा है। इस बीच अब बीजेपी हिंदी पट्टी के चुनावों के जरिए लोकसभा चुनावों से पहले मोदी का जलवा वापस लाने की कवायद में लग गई है। 3 राज्यों में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और चुनाव में बुरी तरह से हार मिली। नतीजों के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी इससे सबक लेगी और राज्यों में मजबूत क्षत्रपों के चेहरे को आगे करेगी। कर्नाटक में हार का एक कारण येदुरप्पा को हटाना था। कर्नाटक चुनाव के बाद कई राज्यों में क्षत्रपों को उम्मीद जगी थी और उनको लगा था कि अब उनको महत्व मिलेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस साल जितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन सब में पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही डबल इंजन की सरकार का मुद्दा, केंद्र और जहां सरकार है वहां राज्य सरकार की उपलब्धि पर चुनाव लड़ा जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ब्रांड वैल्यू है और यही लोग हैं जो 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे और मोदी जी के विरुद्ध तमाम दुष्प्रचार कर रहे थे। तो कुछ लोगों को अगर दुष्प्रचार में ही आनंद की प्राप्ति होती है तो कर लें। ब्रांड मोदी था, है और रहेगा। कर्नाटक में बीजेपी के तमाम उम्मीदवार और नेता मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी पूरी तरह चुनाव हार। ऐसे में अब जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मोदी के चेहरे पर जीते ताकि कर्नाटक में चुनावी हार पर मोदी पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को लोकसभा चुनाव से पहले जवाब दिया जा सके। लिहाजा चेहरा मोदी का होगा और मुद्दा राष्ट्रीय तो होगा ही, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों को भी बेहतर तरीके से उठाया जाएगा। बीजेपी को कर्नाटक में 2 नुकसान हुआ। पहला चुनावी नुकसान तो हुआ ही, दूसरा ब्रांड मोदी का की वैल्यू में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री सबसे बड़े चेहरे हैं कर्नाटक में, उन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन भाजपा की हालत वहां पिट गई और इस वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, दो तरफा नुकसान हुआ है। लिहाजा अब हिंदी पट्टी में चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चेहरा बनाकर आगे रखकर डबल इंजन के लिए वोट पार्टी मांगेगी। दरअसल बीजेपी का मानना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश अलग राज्य है, वो कर्नाटक की तरह नहीं है। कर्नाटक में भले मोदी का जादू नहीं चला लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में जरूर चलेगा, इसलिए कर्नाटक में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई राजस्थान और मध्य प्रदेश से होगी। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। कर्नाटक अलग राज्य था, कन्नड़ भाषी राज्य था, लेकिन हिंदी पट्टी से बीजेपी को उम्मीद है और उसे लगता है कि मोदी का जलवा यहां बरकरार रहेगा। लिहाजा जो भद्य पिटी थी कर्नाटक में, जो ब्रांड वैल्यू को नुकसान हुआ था, वो हिंदी पट्टी के चुनावों से वापस मिल सकता है, जिसका लाभ फिर आगे बीजेपी को 2024 के चुनावों में मिलेगा। कैमरामैन उमेश के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली।